यूपी में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। इसी बीच वृंदावन में ठंड का प्रभाव सबके आराध्य लालन ठाकुर बांके बिहारी महाराज पे ना पड़े, इसके लिए अब बांके बिहारी मंदिर में बदलाव किया गया है। आखिर वो कौन सा बदलाव है जो बांके बिहारी की सेवा में किया गया है, जानते हैं मंदिर के सेवायत सालू गोस्वामी जी से। श्री राधे राधे। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की जो सेवाएं होती हैं वो भावपूर्ण सेवाएं होती हैं। जैसा कि मौसम बदल गया है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो ठाकुर जी की बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव आ गया है। ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हैं वो थोड़े मोटे कपड़े के और शरीर के कपड़े पहनने लगे हैं, जिससे उनको सर्दी ना लगे। ठाकुर जी का जो भोग राग लगता है उसमें थोड़ा बदलाव आता है। ठाकुर जी को केसर युक्त और मेवा युक्त पदार्थों को ज़्यादा सेवन कराया जाता है, जिससे ठाकुर जी को सर्दी का एहसास ना हो। और ठाकुर जी को जो इत्र की मालिश होती है उसमें हिना और केसर का मात्राएं बढ़ जाती हैं, जिससे ठाकुर जी को सर्दी का एहसास ना हो। तो भक्तों की और गोस्वामियों की भावपूर्ण सेवा से ही ठाकुर जी का दर्शन लोगों को होता है। और जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो ठाकुर जी को छोटी सी एक अंगीठी भी रखी जाती है, जिससे कि ठाकुर जी को सर्दी का बिल्कुल भी एहसास ना हो। तो ये भावपूर्ण सेवाएं ठाकुर जी की निरंतर मौसम के बदलने के अनुसार चलती रहती हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है तो ठाकुर जी की सेवाएं भी बदल जाती हैं। तो इसी रूप में जब ठाकुर जी को जब गर्मियां होती हैं तब फूल बंगलों का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इस समय सर्दियों की वजह से ठाकुर जी को फूलों की माला भी धारण नहीं कराते हैं, वो ठाकुर जी के चरणों में रखी जाती है। तो ये सब हमारे यहाँ सेवाएं जो होती हैं भावपूर्ण सेवाएं हैं और ठाकुर जी को हृदय से और भाव से पूजा की जाती है। तो सब लोग इसी दर्शन का आनंद लेते हैं। श्री राधे।